तो आपको बताते चले कि धैया आईएस बाईपास रोड रानीबाग के समीप हो रहे जल जमाव को लेकर स्थानीय लोगों की बड़े परेशानी बनती जा रही है। समस्या का स्थायी समाधान की मांग को लेकर स्थानीय महिला पुरुष का एक समूह आज आईआईटी आईएसएम के डिप्टी डायरेक्टर धीरज कुमार से मिला एवं उन्होंने मांगों का ज्ञापन सौंपा। प्रतिनिधिमंडल ने डिप्टी डायरेक्टर को कहा कि घुटने पर नाली व बारिश का पानी जमा हो जाने से आवागमन प्रभावित हो रहा है, लोग दुर्घटनाओं के शिकार हो रहे हैं, ऐसे में इस समस्या का स्थायी समाधान जरूरी है। बच्चे लोग का सबसे ज़्यादा ये है कि बच्चे लोग स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, लोग के पढ़ाई पे पूरा इफेक्ट पड़ रहा है। तो हम उनसे बात करने के लिए आए थे कि कुछ हमारा व्यवस्था करें, पानी का कुछ निष्कासन का तो कुछ तो व्यवस्था करें ताकि बच्चे लोग कुछ जा सके, अपना स्कूल अपना ट्यूशन वो दोनों में से कुछ नहीं जा पा रहे हैं घर में, ये सबसे बड़ी टेम्पोररी करेंगे, अभी परमानेंट हम लोग कुछ नहीं करेंगे। आप लोग डीसी से मिलिए, डीसी जो बोलेंगे वही होगा, इसके अलावा हम लोग और कुछ नहीं कर सकते हैं। क्या करेंगे हम लोग, लास्ट में कुछ नहीं तो रोड जाम करना पड़ेगा, क्योंकि देखिए हम लोग सब इतना लोग आए हैं किस लिए कि हम लोग बस रास्ता तो, अरे भाई कम से कम रास्ता तो दे, कुछ दे नहीं दे, बच्चों लोग आने जाने, उसके बाद मंदिर है, सब मंदिर जाते हैं, हम लोग पूजा नहीं कर, वहाँ सारा नाली आईसम आए, हम लोग आईसम हम लोग से एग्रीमेंट किया था कि रोड का मेंटेनेंस लाइट, झाड़ी कटाई, रोड का जो भी काम होगा हम लोग करेंगे। हम लोग रोड जो था आईसम मेन गेट से लेकर वो गेट हम लोग का वो रास्ता हम लोग ऑर्डियन था, वो गेट का बदली हम लोग रास्ता दिया, और रास्ता का वो मेंटेनेंस नहीं करा, इसके लिए हम लोग बत्ता करने के लिए आए थे। तो बोला ठीक है आप लोग डीसी के पास जाइए, तो ये हम लोग बोले तब एग्रीमेंट क्यों किए थे,